पेंटिंग करने के लिए आए, इतने बड़े वीर थे, तो मुझे बताइए कि अंग्रेजों को ये क्यों लिखा कि मैं आपका स्टॉन्च सपोर्टर बन के रहूंगा, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में नहीं पढ़ूंगा। पढ़ेंगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा। इस तरह से झूठ बोलने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इन्हें बंगला दिया उस बंगले में रह रहे थे, वो संघी जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहे थे, लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, आप जिस बेबाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती है ना। शुरू में आपने लंबा भाषण दिया, मैंने नहीं टोका, और ये तरीका ठीक नहीं है राजीव नायक। ये आपने देखा कभी? ये देखिए उदय जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, संस्कृति मंत्रालय की ये जो पत्रिका है, क्या इसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि एक जो शख्स रहा है वो ओवररेटेड है और दूसरा ओरिजिनल है, क्या इसको इस तौर पर रीड किया जाए, या आपको लग रहा है कि नहीं वक्त आ गया है जब इतिहास में किसी को सही दर्जा नहीं मिला है तो कम से कम उसे उसकी सही प्रतिष्ठा के बारे में बताया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए कि उसकी कहानी क्या रही है। मैं जिस प्रोग्राम में अपियर हो रहा हूं वो एक ऑथर और एक इतिहासकार के रूप में अपियर हो रहा हूं, नॉट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लाइन अच्छी है, लिख लो काम है। जी जी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि मैंने किताब लिखी है वीर सावरकर के ऊपर, अभी मेरे और मेरे सह लेखक ने, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। आज जो है वो जो इतिहास के साथ खिलवाड़ हुई थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास है, ये वो प्रक्रिया शुरू हुई है। और 1937 में जब वो पॉलिटिक्स में आए तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहचान लिया कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण का जो दौर कांग्रेस ने शुरू किया है उससे भारत को बहुत नुकसान होगा और भारत का विभाजन भी हो सकता है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। कुछ भी, कुछ भी। दूसरा, माफी पत्र पे कई बातें निकली, सुनिए आप। छत्रपति शिवाजी को आप हीरो मानते हैं कि नहीं मानते? उस छत्रपति शिवाजी ने अपने चाणक्य नीति के भाग रूप औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे थे, 5। उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में संधि हुई थी मुगलों और औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, वो तीनों 3 संधियां शिवाजी ने खुद ने तोड़ी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वीर सावरकर का जो प्रयास था जेल से बाहर निकलने का, वो एक बहुत बड़ी जिसको बोलते चाणक्य नीति का भाग था। मस्त जोक मारा। देखिए ऐसा है कि सावरकर जो है वो देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक है, और सावरकर के ऊपर एक लेख अगर छपता है गांधीयन मैगजीन के अंदर तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी कहानी को जो गांधी को प्रेस किया एक बार, तो सावरकर जी ने गांधी को एसेट का हुआ है, नेशनल एसेट। देखिए जो तथा कथित लेखक बैठे हैं आपके चैनल पर, थोड़ा पढ़ के आना चाहिए विषय के बारे में। कह रहे एक लेख नहीं है सर, पूरा विशेषांक है, ऐसा विशेषांक जिसमें 13 लेख सावरकर के ऊपर हैं और 3 लेख गांधी के ऊपर हैं। अब आप सुन लीजिए, नहीं मुझे आपकी किताब नहीं पढ़नी है, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। या फिर मान लीजिए कि आप भाजपा की बैटिंग करने के लिए आए, या फिर मान लीजिए कि आप भाजपा की बैटिंग करने के लिए आए, सुन लीजिए सर, आप इतने बड़े लेखक हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, आपने सावरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में आपको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है 60 साल तक, कम से कम उस पद की गरिमा रखिए, समझ रहे हो? तो देखिए मैंने साधारण सा सवाल पूछा, सबसे पहली बात, अगर इतने बड़े वीर थे तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बचने के लिए अपने साथियों की भूख हड़ताल में शामिल क्यों नहीं हुए? अंडमान के सेलुलर जेल में मैंने पहली बार पूछा। मुझे इतने बड़े वीर थे तो मुझे बताइए कि अंग्रेजों को ये क्यों लिखा कि मैं आपका स्टॉन्च सपोर्टर बन के रहूंगा, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में नहीं पड़ूंगा। इतने बड़े वीर थे और षड्यंत्र और चकमा दे रहे थे शिवाजी की तरह, तो बाहर निकलकर अंग्रेजों के दिए हुए बंगले में क्यों रहे, अंग्रेजों के दिए हुए पेंशन पे क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के तमाम आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम के थे, उनमें से किसी भी एक में हिंदू महासभा के साथ शामिल क्यों नहीं हुए, मैं जानना चाहती हूँ। 1937 में भारत के विभाजन के बीच क्यों हुए उन्होंने, जब ये कहा कि हिंदू जो है उनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि है, बाकी सब लोग इस देश से बाहर चले जाएं,
हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए, ये सबसे पहली बार बोलने वाले सावरकर थे। और आप कह रहे हैं कि वो यूनिटी यानी कि देश की एकता और अखंडता से बात करते थे। पढ़ेंगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा, इस तरह से झूठ बोलने के लिए। अगर इस देश में बंटवारे की राजनीति किसी ने शुरू की, बीज बोए जिसकी फसल चिन्ना और उनकी पार्टी ने काटी है, तो वो सावरकर है। और यही हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सिंध में और बंगाल में सरकार भी बनाए बैठी थी, ये भी बताइए देश की जनता को। आप ये जो इतिहास को संदर्भ से तोड़कर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, आज भी गांधी के बिना रागनी तथ्यों के आधार पर किताब लिखी है, किसी को सर्टिफिकेट देना उचित नहीं है। ठीक है, आपकी भी बात हो गई। दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। रागनी नायक जी, रागनी नायक जी प्लीज, रागनी नायक जी, अगर कोई किताब लिखता है तथ्यों और तथ्यों के आधार पर ही लिखेगा ना, अगर उनकी भी किताब की देखिए समय और परिस्थितियों के हिसाब से किताब लिखी जा रही है, किताब लिखी जा रही है, तो उनके भी किताब की कम से कम आप एक कम से कम अपनी सहमति दे दीजिए, भाग यहाँ से। मैं आपसे कह रही हूँ, आप इतने बड़े इतिहासकार हैं, एक आंदोलन तो बता दीजिए। मेरी बात सुननी पड़ेगी इनको, कौन सा आंदोलन किया था तथाकथित वीर सावरकर ने? नहीं सुनते इनको, चैलेंज नहीं किया हुआ है कितना, मैंने इनको चैलेंज नहीं किया, इनको आप बंद करवाइए। और यही सब विभाजन की नींव पड़ी, इसमें पूछा था कि नेहरू जी 1946 में किसके प्रति बोल रहे थे, उनको तो तरीका 1946 में किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, आज फिर उसी पे आ गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, सब के बारे में नहीं बोल सकते इस तरीके से। ठीक है प्लीज मैम, रागनी नायक जी प्लीज। और दिख रहा है कौन गांधीवादी है और कौन हिंसावादी है। अब मैं एक बस दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये महात्मा गांधी को कितनी सिक्योरिटी मिली थी और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, जवाब दीजिए ना। अरे बताइए पोस्टमार्टम। रागनी नायक जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, आज की राजनीति जो हो रही है वो नकारात्मक क्यों है, अगर दोनों एक दूसरे के पूरक थे और कई मामलों में तारीफ भी करते थे और उसमें किसी के भी अगर योगदान ज्यादा रहा और इतिहास ने उसके साथ नाइंसाफी की, तो सही समय है कम से कम इंसाफ मिल जाए। चित्रा देखिए, सत्य और तथ्य का प्रकाश जो कि लगातार झूठ प्रपंच और पाखंड के अंधियारे पर आघात करता है, प्रहार करता है। और हंसी इस बात पर भी आती है कि आप संघ की और भाजपा की परिस्थिति देखिए, ये विडंबना देखिए कि गांधी का सहारा लिए बिना माफी वीर सावरकर जी को लेश मात्र की वैधता दिलाने का काम वो संघी जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहे थे, आज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी देश में नहीं कर पा रहे। देखिए, नागपुरिया समर्थित तमाम ऐसे अधकचरा ज्ञान बांटने वाली पुस्तिकाएं आज सर्कुलेशन में हैं, उनमें नहीं छपा ये विशेषांक, पांच जन्य या ऑर्गेनाइजर में नहीं छपा ये विशेषांक, ये गांधी स्मृति दर्शन की जो पत्रिका आती है अंतिम जन, उसमें छपा है। क्योंकि गांधी की बैसाखी के बिना आज भी संसद में बड़ी सी फोटो लगाने के बाद और तमाम जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं उसके बावजूद, गांधी के बैसाखी के बिना एक मिनट सावरकर को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है भाजपा और संघ। और ये सावरकर है कौन, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मुझे पूरा 30 सेकंड और दे दीजिए चित्रा, ये सावरकर है कौन? इन्होंने अभी सुधांशु जी ने कहा 1910 में कारावास हुआ इन्हें 50 साल का आजीवन का, 1911 से ये माफीनामे लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खाने लग गए। 1900 वही उसी सेलुलर जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बचने के लिए जो और इनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनका साथ देने से मना कर दिया। 1937 में भारत के विभाजन के सबसे पहले बीज बोने वाले सावरकर हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग। 1924 से 1937 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इन्हें बंगला दिया, उस बंगले में रह रहे थे और वहां पर 60 रुपए महीने की पेंशन, अंग्रेजी पेंशन पर अपना जीवन चला रहे थे। 1937 के बाद 1942 में आती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हमारी आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी, वहां पर सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। इंदिरा गांधी ने इनको महान विभूति क्यों कहा था? हत्या में जिनका नाम आया, रागनी नायक जी खड़ा करना चाहते हैं।
अब मेरा इसी के साथ सवाल है आपसे सीधा, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। रागिनी नायक जी, तमाम बातें इतिहास की आपने बता दी हैं पूरे सन के साथ, अब मेरा ये सवाल है फिर 1970 में आकर इंदिरा गांधी इनको महान विभूति क्यों बताती हैं, डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए क्यों कहा जाता है? हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। इंदिरा गांधी ने क्या गलत किया? अब आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, सुनिए। आरसी मजूमदार की एक किताब आई है, आई थी 1980 के दशक में, जिसका नाम था अंडमान पीनल सेटलमेंट। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो पांच माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। करवाली बेइज्जती। तो देखिए, हम एक अलग किस्म के जमाने में रह रहे हैं, उस समय इतने ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब इतने कोऑपरेटिव एविडेंस, इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, कौन है? इसलिए ये बात थी। किस तरह की बातें, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मतलब रागिनी जी, आपके लिए इंदिरा गांधी के पास जानकारी नहीं थी? आप ये कह रही हैं कि इंदिरा जी के पास जानकारी नहीं थी? मैं ये कह रही हूं, और अगर वो किताब पहले आई होती तो इंदिरा गांधी वो किताबें पढ़कर और उसके बाद फिर उनको महान विभूति नहीं बताती? आप लगातार मेरे साथ बोल रही हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछती हूं, आप सुधांशु जी के पास। तुषार गांधी कह रहे हैं कि नेहरू ने गलती की। तुषार गांधी कह कर गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय तक किस तरह से परिस्थितियां बदली। आपने खुद सुना, बाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती है ना, वो भी काबिले तारीफ है। रागिनी नायक जी, एक सेकंड, ये सर्टिफिकेट नेहरू जी ने कोई, रागिनी नायक जी ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। मिस रागिनी नायक, तुषार गांधी क्या झूठ बोलकर गए हैं? मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ, मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज किया गया। रागिनी नायक, कॉम्प्रोमाइज किया गया रागिनी नायक, मैं चाहूंगी कि तुरंत वो बाइक निकाली जाए। ये तरीका ठीक नहीं होता है। मिस रागिनी नायक, मैं सुना देती हूँ, मैं सुना देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी इसी बुलेटिन में हो जाएगा। नेहरू जी ने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। A few moments ago. तो क्या आपकी बातों से ये समझा जाए कि गांधी के हथियारों को लेकर नेहरू जी और इंदिरा गांधी, क्या इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया? मुझे नहीं लगता है कि पंडित जी ने कभी किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज उस मामले में की हो। ठीक है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शुरू में आपने लंबा भाषण दिया, मैंने नहीं टोका, और ये तरीका ठीक नहीं है। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक, ये तरीका ठीक नहीं है। रागिनी नायक जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बोलूंगी, मैं निर्विरोध बोलने नहीं देती है। निर्विरोध क्यों बोला? आप डिबेट में बैठी हैं, कोई कांग्रेस पार्टी की रैली में आपको थोड़ी ना बुलाया गया है मैडम। आपको क्या कष्ट है? आप मेरा एक सवाल ले लीजिए और वो ले जाइए सुधांशु जी के पास। मैं क्या अनुरोध कर रही हूँ आपसे? आप, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया, सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया? किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूं। आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।